क्लासिकल्स, केन्सियंस, मोनेट्रिज्म, न्यू क्लासिकल, न्यू केन्सियंस, दिस सिक्स, इसको क्रोनोलॉजी में बोलना है. एंड द वे आई टोल्ड दिस इज द क्रोनोलॉजी इन फैक्ट. इन दिस वीडियो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने कवर कर लिया. एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि 50% आपका जो आने वाला है वह ग्रोथ डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स आने वाला है. अब जो है इस वीडियो के बाद मैं आपको बुक लेके दिखाऊंगा कि किस बुक से कितना कितना कौन सा चैप्टर पढ़ना है. स्पेसिफिक आई विल बी टेलिंग यू. ग्रोथ डेवलपमेंट में वही पास्ट ईयर पेपर करना था और ML जिंगन के इंडेक्स वाइज जो है उनको करना था, दैट्स इट. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इफ यू विल आस्क मी कि सर एज ए यू एज ए स्टूडेंट विच बुक्स यू विल बी टेकिंग, आई विल बी टेकिंग ओनली टू बुक्स. NTA एग्जाम, CUET एग्जाम इज नेशनल एग्जाम, इंडियन एग्जाम. And it is very inclusive exam. So you are supposed to follow UGC syllabus. So first preference is H.L. Ahuja or Dwivedi book. H.L. Ahuja is first. It should be supplemented by any macroeconomics, any one book. Be it Richard Froehn, be it Dornis Fischer, be it Blanchard, any book. ठीक है, यह book आप ले लेंगे. इसके बाद क्या है, any two book. H.L. Ahuja is must. Why H.L. Ahuja? H.L. Ahuja covers your money and banking. योर एंटायर बैंकिंग सिस्टम, RBI वगैरह पे आता है, कमर्शियल बैंक है, क्रेडिट क्रिएशन है, मनी मल्टीप्लायर, एवरीथिंग इट कवर्स. योर ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स ये सारे कवर करते हैं. यू नो दैट देर आर सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल्स, केन्सियंस, मोनेट्रिज्म, न्यू क्लासिकल, न्यू केन्सियंस, दिस सिक्स, इसको क्रोनोलॉजी में बोलना है. एंड द वे आई टोल्ड दिस इज द क्रोनोलॉजी इन फैक्ट. दीज थिंग्स आर क्लियरली मैंसनड इन बुक्स, दैट इज H.L. Ahuja बुक्स. उसके बाद क्या करना है, आपको पास्ट ईयर पेपर करना है. इफ़ यू सी द CUET सिलेबस, इट इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग ओनली क्लासिकल एंड केन्सियंस. नो, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप हियर बिकॉज दे में आस्क द क्वेश्चंस. एंड जो BHU, HCU, JNU वगैरह के पेपर हैं, JNU में SSS का सॉल्व करना है, दैट इज CESP वाला, नॉट SIS वाला. और इसके साथ साथ आपको देखिए अभी हम मैथमेटिकल का क्या रोल है. साइड वाइज यू आर सपोज टू सॉल्व फ्यू बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन ISLM, फ्यू बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑन मल्टीप्लायर, राइट. सो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो गया. H.L. Ahuja में विथ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दैट इज मोर देन एनफ. अब ऐसे ISLM में क्वेश्चन आएगा कि मनी सप्लाई बढ़ गया तो आपका LM कर्व किधर जाएगा, राइट वार्ड शिफ्ट आएगा. फिर इसी को आगे एक्सटेंड करके दे कैन आस्क यू अबाउट द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. तो डायग्राम वगैरह प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है. पास्ट ईयर पेपर में जो जो आए हैं HCU, JNU, BHU, पौंडीचेरी, CUET, सॉरी नेट GRF पेपर 2, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो मैं बोला सिक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उसको अच्छे से कर लेंगे. और इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय एनी बुक, इधर अगेन आई एम रिपीटिंग H.L. Ahuja. इफ यू आर नॉट रीडिंग H.L. Ahuja, प्लीज फॉरगेट अबाउट गेटिंग इनटू JNU HCU फॉर श्योर. यस, प्लीज मार्क माय वर्ड इफ यू आर नॉट रीडिंग दैट. एंड सॉरी फॉर दैट, दैट बुक इज नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ कमीशन. दैट इज वेरी जेन्यून बुक, दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू. इट कवर्स होलिस्टिकली. फिर उसके बाद है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा चाहिए, थोड़ा एक वो वाला होता है ना, एक लेवल चाहिए. तो थोड़ा सा आप डॉनविच फीसर देख लेंगे. अगर इंटरेस्टेड है तो मैनकीव देख सकते हैं. मैनकीव में ISLM वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है. मैनकीव इज वेरी गुड बुक. नेशनल अकाउंटिंग वगैरह भी उसमें ठीक है, डायग्राम वगैरह देकर दिया है, दैट इज मैनकीव. एंड यू कैन ऑल्सो रेफर Froehn बुक. इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है जाने की जरूरत है. सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. ग्रोथ का मैंने देख लिया, ML जिंगन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने देख लिया कि ये दो तीन बुक हैं. इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय पास्ट ईयर पेपर्स. और क्या है, आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको मिल जाए अगर ऑनलाइन क्विज वगैरह या फिर ऑथेंटिक कहीं सोर्स में, वो क्विज भी पास्ट ईयर बेस्ड पे होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके कुछ भी कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें. इस ऑनलाइन स्टार्टिंग बैच आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड, मेरा भी बैच नहीं करें और ना ही बड़े बड़े कोचिंग जहाँ 30,000-40,000 फी है. नो नीड. Are they ensuring your result? No. Then don't take. But you can ensure yourself. आप अपना खुद चयन करवा सकते हैं by self study, by the perfect book, what I have been telling you. और इस तरह से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा. तो हमने ग्रोथ कर लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया. अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है इंडियन इकोनॉमी. यह तीन चीज़ हम कर लेंगे तो हमारा 50%, मोर देन 50% ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा. तो अगला जो आने वाला है वीडियो वह होगा इंडियन इकोनॉमी के. तो आप हमारे साथ बने रहें और जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए गए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि एग्जाम तक, टिल योर रिजल्ट, टिल योर एडमिशन, आई विल बी विथ यू, आई विल बी गाइडिंग यू इन ऑल द मैनर्स. और टेलीग्राम का लिंक है वो भी नीचे ज्वाइन कर लें. प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक रिगार्डिंग CUET PG 2023 इकोनॉमिक्स एंट्रेंस. तो अब हम अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं वह है हमारा इंडियन इकोनॉमी, विच इज ऑल टाइम फेवरेट एंड इट इज वरीसम फॉर एवरी एस्पिरेंट. लिंक इज गिवन बिलो फॉर द इंडियन इकोनॉमी वीडियो एंड आई होप यू हैव वॉच दिस वीडियो गाइज. Please share and subscribe the channel so that you don't miss any notification. And please join the Telegram channel or course details. You can get it at the Telegram. Bye bye guys. Stay tuned for the new video.